आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जी, एयर मार्शल राणा साहब, सभी भाइयों बहनों साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। अभी हमने कई सारे लोगों को सम्मानित किया। मैं समझता हूँ, मैं सोच रहा था जब उनकी कहानियाँ सुन रहे थे और उनको हम सम्मानित कर रहे थे कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं कि वो हमें सम्मानित कर रहे हैं अपने कामों से। एक एक शख्स की इतनी शानदार कहानी थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इतने खास काम किए हैं। मैं सभी को, जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है दिल्ली महिला आयोग के द्वारा, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी इन कहानियों से पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी और आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग प्रेरणा लेके इसी तरह से समाज में अच्छा काम करेंगे। मैं दिल्ली महिला आयोग को खास तौर से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। अक्सर ऐसा सोचते हैं हम लोग कि खास काम तो केवल खास लोग ही करते हैं, लेकिन खास काम अक्सर आम लोग ही करते हैं, खास लोग उतने खास काम नहीं करते। लेकिन आम लोगों के खास काम कोई देखता नहीं है, किसी की नजर में नहीं आते। तो वो दिल्ली महिला आयोग ने ये ठाना है कि जो आम लोगों के खास काम है वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे। तो वो देश भर से ऐसे हीरे चुन चुन के लाते हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के काम करके और पूरे समाज के लिए काम किया, और उन लोगों को साल में आज महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम है। एक एक कहानी आज, मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए ही था, आधा घंटा ही था, आधे घंटे में कुछ अवार्ड्स ही देखे, लेकिन मैं यहाँ आने के पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था, सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और ढेर सारे और लोगों को भी सम्मानित किया गया आज सुबह से, ढेर सारी महिलाओं को, ढेर सारे ऐसे पुरुषों को जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को, और बुज़ुर्ग, इतनी बुज़ुर्ग, पंजाब से माझी आई हुई हैं, महाराष्ट्र से दादी पवार आई हुई हैं, और बहुत सारे लोग और आए हुए हैं जो जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है। तो इन सब से मैं समझता हूँ कि प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय में इसी तरह से दिल्ली महिला आयोग उन्हें सम्मानित करता रहेगा। जैसा अभी स्वाति जी बता रही थी, आज से 5-6 साल पहले तक कोई दिल्ली महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग या किसी महिला आयोग का नाम भी नहीं जानता था कि कोई महिला आयोग होता है, और आज पूरे देश में केवल एक ही महिला आयोग का लोग नाम जानते हैं। हैं तो हर राज्य के अंदर महिला आयोग, हर राज्य का अपना एक महिला आयोग है, एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता नहीं हो कि एक देश का महिला आयोग भी है, लेकिन पूरे देश में एक ही महिला आयोग को लोग जानते हैं, वो है दिल्ली महिला आयोग। ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अभी है नहीं बैन दिल्ली में, अभी बैन नहीं है। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ। ठीक ठीक है। पिछले 5-6 साल के अंदर दिल्ली महिला आयोग ने बहुत शानदार काम किया है, और हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि किस तरह से बहादुरी के साथ उन्होंने अक्सर दिल्ली पुलिस के साथ मिलके
जगह जगह पे, जगह जगह पे जहाँ भी कोई भी महिला कहीं भी मुसीबत में हुई वहाँ पे रेड मारी, वहाँ पे महिला को रेस्क्यू कराया और बहुत सारे ऐसे काम किए कि कई बार हमें महिला आयोग के सदस्यों की और ख़ास तौर से स्वाति जी की सुरक्षा की चिंता होने लगती है कि जिस तरह के दुर्गम स्थानों पे ये पहुँच के और मुश्किल कठिन परिस्थितियों में ये उनको महिलाओं को रेस्क्यू कराते हैं। लेकिन उन्होंने बड़े जांबाज तरीके के साथ ढेरों महिलाओं को रेस्क्यू कराया है जो कि डिस्ट्रेस में थी, जो कि अलग अलग तरीके से सम प्रॉब्लम्स में थी, उनको इन्होंने रेस्क्यू कराया और उसी की वजह से आज 181 हेल्पलाइन के ऊपर अगर आप फ़ोन कीजिए तो तुरंत आपको उसका समाधान मिलता है। अगर कोई भी महिला दिल्ली के अंदर डिस्ट्रेस में हो तो उसको उसका समाधान मिलता है। तो मैं इसके लिए जो अच्छा काम दिल्ली महिला आयोग कर रहा है उसके लिए मैं दिल्ली महिला आयोग को और उनके अध्यक्षा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो इसी तरह से अच्छे काम करते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में जितनी भी नीतियां बनाई, हमने कोशिश की कि एक आम महिला को उसकी ज़िंदगी में जितना सुकून दे सकें हम दें। आज इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है और एक आम महिला को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। तनख्वाह बढ़ती नहीं है, इनकम के साधन बढ़ते नहीं हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है। ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक तरफ अपना पूरा परिवार भी चला रही हैं और पूरा दिन नौकरी करने के लिए या रोज़गार के लिए भी बाहर निकलती हैं और फिर शाम को आके अपना घर चलाना पड़ता है उनको। तो जब हमने दिल्ली, शायद पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर शायद अकेला दिल्ली जगह है, अकेला शहर है जहाँ पे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। आपको ये जान के ताजुब होगा कि 73% दिल्ली जो है, 73% दिल्ली में लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं, उन्हें 24 घंटे बिजली मिलती है और बिजली के बिल नहीं आते। तो जब हमने बिजली के बिल जीरो किए, सबसे ज़्यादा खुशी महिलाओं को हुई थी क्योंकि उनके घर चलाने में उनको मदद मिलने लगी थी। 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये बचने लगे थे हर महीने। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे आपको 24 घंटे बिजली मिले और बिजली का बिल जीरो आए। जब हमने पानी मुफ्त किया था, दिल्ली के अंदर पानी भी मुफ्त मिलता है, जब हमने पानी मुफ्त किया था सबसे ज़्यादा खुशी दिल्ली की एक आम गृहिणी को हुई थी जो जिसको अपना घर चलाने के लिए दिक्कत आती है। जब हमने दिल्ली के अंदर बसों का किराया मुफ्त किया था, दिल्ली के अंदर बसों में महिलाओं के लिए किराया मुफ्त किया था, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी, मुझे लगता है इस हॉल के अंदर तो शायद उस तबके से लोग ना आते हों लेकिन झुग्गी बस्तियों के अंदर, कच्ची कॉलोनी के अंदर ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई केवल इस वजह से नहीं कर पाती क्योंकि उनके पिताजी उनको आने जाने का किराया नहीं देते। ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए ये बहुत मददगार साबित हुआ था जब हम लोगों ने बसों में किराया मुफ्त कर दिया था। ढेर सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सब्जी बेचने जाती हैं, जब हमने बसों में किराया मुफ्त कर दिया तो वो और 10 कदम और 4 किलोमीटर आगे दूसरे बाजार में भी जा सकती। महिलाओं की सुरक्षा को लेके जो जो कदम हमारे हाथ में हैं, हमने कई सारे कदम उठाए हैं। पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। काफी दिल्ली कवर हो चुकी है, जितना बाकी है वो भी पूरी दिल्ली के अंदर हर गली हर मोहल्ले के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में फिर से शायद दिल्ली अकेला शहर होगा जिसका इतना बड़ा नेटवर्क होगा सीसीटीवी कैमरे का कि दिल्ली के कोने कोने के अंदर सीसीटीवी कैमरे होंगे। जैसा भी स्वाति जी ने आपको बताया कि सीसीटीवी कैमरे जब से लगे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अपराध बंद हो गए हैं, लेकिन हैं
सब बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। उसी तरह से दिल्ली के जितने बहुत सारे डार्क एरियाज होते थे, जहां पे अंधेरा रहता था रात को, जहां पे अपराध होने की आशंका रहती थी, अपराध हुआ करते थे, दिल्ली के कोने कोने के अंदर सारी स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं। लगभग 3 लाख स्ट्रीट लाइट्स पिछले 2 सालों के अंदर लगाई गई हैं। अभी भी जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित कर करके सभी डार्क स्पॉट्स में हम स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। जितनी बसें हैं हर बस के अंदर मार्शल्स लगा दिए गए हैं, और इनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है कि किस तरह से बसों के अंदर महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था और मार्शल जो वहीं बैठा था उसने उसको पकड़ के और उसको थाने लेके गए, जिस जो भी गलत काम कर रहा था। तो बसों के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जो भी हम स्कीम बनाते हैं, जो भी हम दिल्ली सरकार के अंदर योजनाएं बनाते हैं, उसके केंद्र बिंदु के अंदर हम यही देखते हैं कि एक आम से आम महिला को, एक अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती हुई महिला को, उससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, उसको कैसे उसकी जिंदगी में सहूलियत मिल सकती है। महिला आयोग ने आज मुझे यहाँ पे आप सबके बीच में बुलाया, आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों को, जितने लोगों को आज अवार्ड मिले, उन सब लोगों को बहुत बहुत क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध है। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेक हैपी योर फिट विद आवर ब्रांड विद SS फुटवेयर, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान, जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम, जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैरन, विंध्यनगर रोड, धोदी, वैरन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। क्या आप भी मिस कर रहे हैं आपके फेवरेट फूड को? तो आज ही आए इंजीनियर कैफे फास्ट फूड जोन, जहां आपको मिलता है पिज्जा, बर्गर और साथ ही फास्ट फूड की सारी वैरायटी बेस्ट सर्विसेज के साथ। तो फिर और कहीं क्यों जाना, आज विजिट करें हमारे प्रतिष्ठान। हमारा पता है ताली मेन रोड, जी ऑफिस के बगल में, बैरन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। साथ ही आप हमें कॉल या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8818181652, 9589570608। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।